जल्दी चलो श्री, उनकी भी खबर आई। हाँ, अरे वापस आ गया, जल्दी चलो। इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? पता नहीं भाभी, जब मैं इसके पास पहुंचा तो इसकी हालत ऐसी ही थी। बस बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था कि मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरा यकीन करो। आप किससे बातें कर रहे हैं? वो महसानी मंगलसूत्र जब जब उसके सामने आएगा तब तब तेरी जिंदगी में तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। आप इस घर की बड़ी है बड़ी बा, अगर मेरे मुंह से गलती से भी कुछ गलत निकल जाए तो मुझे नादान समझकर माफ कर दीजिए। लेकिन आज आज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस बार मुझे सारी सच्चाई बता दीजिए। बड़ी बा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मेरी इस मुश्किल का हल सिर्फ आपके पास ही है। एक पत्नी का पति अगर तकलीफ में हो तो उस पर क्या गुजरती है वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। बड़ी बा, मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकती, मैं उन्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। बड़ी बा, अगर मैं अपनी जान देकर उनकी वो तकलीफ दूर कर सकूं तो मैं उसे अपना सौभाग्य समझूंगी। इसलिए मेहरबानी करके मुझे बता दीजिए कि आखिर वो सच क्या है, क्या है इस मंगलसूत्र का राज, क्या इनकी ये बीमारी इस मंगलसूत्र से जुड़ी हुई है? बताइए ना बड़ी बा, इस तरह से खामोश मत रहिए, मुझे बताइए आखिर सच क्या है। की बात पूछोगी तुम सबसे और कितनी बार झूठ सुनोगी उनसे? तुम क्या सोचती हो? आंखों में आंसू भर के तुम गिड़गिड़ाओगी, सवाल पूछोगी तो तुम्हें जवाब मिल जाएंगे और सच को दबाना, उसे छिपाना पुरानी आदत है रघुवंशी परिवार की। और वैसे भी लड़ाई तो तुम्हारे और मेरे बीच में है ना, तो तुम इन्हें क्यों बीच में लाना चाहती हो? हार मेरी नहीं तुम्हारी होगी, देखना। अच्छा, बड़ा भरोसा है तुम्हें, पर किस पे? खुद पे भी और अपने पति पे भी। पति पे? जो कल रात दूसरी बार तुम्हें छोड़ के चला गया, और अब तीसरी बार फिर जाने की तैयारी में है। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? उसे होश आ गया है, बड़े लापरवाह पत्नी हो तुम। अपने पति को ऐसी हालत में छोड़ के अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकली हो? रुको, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, पिछली बार तो तुम्हारा पति घर लौट आया, पर तुम्हारे तेवर देख के लगता है कि मैंने गलती की। कोई बात नहीं, इस बार सुधारूंगी, इस बार अगर तुमने उसे जाने दिया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, Oh my God!
मैं जितनी भी कोशिश करूं कि तुम मेरे सामने ना आओ, पर तुम आ ही जाते। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है श्री? एक हफ्ते से मेरी बच्चियों ने कह रखा था कि आज स्कूल पिकनिक में उन्हें जली लेके जानी है। सुबह से किचन में लगी पड़ी हूँ और तुमने एक ही झटके में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, आज तुम्हें इस गलत की सजा मिल कर रही है। अब ये जली तुम बनाओ। भाभी, भाभी इस वक्त नहीं, मैं बाद में बना दूंगी। नहीं, इतनी आसानी से नहीं छूट सकती तुम आछड़ी। चलो, भाभी मेरा हाथ छोड़ो, भाभी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं रोकना है। चुप रहो श्री, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। चलो, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे नहीं रोकना है भाभी। आज तुम्हें सजा मिलकर रहेगी श्री, चलो। ऑर्डर और डालो। अब इसे हल्के हाथों से हिला। इस बार अगर तुमने उसे जाने दिया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। हिलाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। वो प्रेत आत्मा जो कहती है वो करके भी दिखाती है। कहीं सचमुच इन्हें होश आ गया होगा और ये उठकर कहीं चल दिए तो मुझे उनको रोकना ही होगा। भाभी, अब तो ये हो गया है, मैं जाऊं? हो गया, और बाकी का काम क्या तुम्हारे मायके वाले करेंगे? अब इसे इस बाउल में पलटो और जमने के लिए फ्रिज में रख दो। जाने दीजिए ना भाभी मुझे। श्री, चलो। लड़की, ये स्मार्टनेस किसी और को दिखाना। तुम तब तक यहां से नहीं जा सकती जब तक ये जली जम नहीं जाता। पर भाभी, जब तक ये जम जाएगी तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। एक बार कह दिया ना नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। कुछ कीजिए बोले ना, कोई जादू कोई चमत्कार का, पर इन्हें इस घर से बाहर मत जाने दीजिए। अपनी बेटी की इस बिंदी को मान लीजिए भोलेनाथ। उस प्रेत आत्मा की बात सच न होने पाए, इन्हें रोक लीजिए, रोक लीजिए इन्हें भोलेनाथ। तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है हरी? मैंने पूछा तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है हरी? वो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक? पर तेरी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? मधु का फोन आया था मुझे, इसलिए तो पुणे से इतनी जल्दी वापस आ गया। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, बस मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, इसलिए थोड़ी ताजी हवा लेने जा रहा हूँ। अरे, मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जाएगा। चल अंदर चल। भैया आप? आपको भाई? बस अभी अभी आया और एकदम सही टाइम पर आया। मेरे घर से बाहर जा रहा था। फिर से?
हरी तेरा प्रॉब्लम क्या है? कल भी पूरी रात तू घर से गायब था और वो भी किसी को बिना बताए। तेरी बीवी मनाली जाने के लिए सामान पैक करके बैठी थी और तू पता नहीं कहाँ था। वो तो भला हो निहाल का जो इसे कहीं से ढूंढ के घर ले आया। निहाल? हाँ, उसी से तो मिलने जाना है मुझे, बहुत जरूरी काम है मुझे उससे। निहाल को हम यहीं बुला लेंगे हरी, तो अपने कमरे में जा और आराम कर, अभी भी तेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, देखिए नहीं आना बुखार मुझे, तो फिर जाने दीजिए ना मुझे बैंक, बहुत जरूरी काम है मुझे। बैंक? तू बैंक जा रहा है? हाँ, वही तो कहा था ना मैंने। पर बैंक संडे को बंद होता है। पर मुझे जाना है, मुझे उसे ढूंढने जाना है भैया। अरे तू कितने भी बहाने क्यों ना बना ले, मैं तुम्हें ऐसी हालत में कहीं नहीं जाने दूंगा। तू चुपचाप अपने कमरे में जाता या हम चलें तुम्हें छोड़ने। जा, गो एंड रेस्ट। जाओ। हाँ जाओ। भैया पिछली बार भी अभी कुछ ऐसे ही, मुझे पता है, इसीलिए जैसे ही मधु ने मुझे फोन किया मैं तुरंत वापस आ गया। मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है डैनी, वही बात मुझे भी परेशान कर रही है। हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। कितना प्लीज प्लीज बोला मैंने फिर भी नहीं जाने दिया। इतना भी नहीं समझते कि कितना जरूरी है मेरा उसको ढूंढना। सबसे कहता हूं पर कोई नहीं समझता। पिछली बार भी ऐसे किया था फिर बाद में प्रॉब्लम हुई ना। अब चाहे कोई कुछ भी कहे मैं जाऊंगा उसको ढूंढने। मत देखिए ऐसे मुझे जैसे मैं कोई अनजान हूं। इनकी आंखों में हमेशा अपने लिए ढेर सारा प्यार देखा है। इनका इस तरह देखना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जान जाती है मेरी। ये मेरी मदद कर सकती है। कहाँ चली गई थी तुम? कहीं नहीं, मैं तो यही थी आपके आसपास ही। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। तुम अच्छी नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। मेरा एक काम करोगी? बोलूं? मुझे काला खट्टा बहुत पसंद है, बर्फ का गोला, मुझे वो खाना है। पर अनंत भैया मुझे जाने नहीं दे रहे। तो कोई बात नहीं, मैं डाया भाई से कहकर मंगवा लेती हूँ। हम वहीं चलकर खाएंगे ना, तुम और मैं, बहुत मजा आएगा ना, है ना? हम चलेंगे ना?
पता नहीं आपको बाहर लेके जाना ठीक होगा या नहीं। वैसे जा भी सकते हैं, शायद इसी बहाने इनसे उस मंगलसूत्र के बारे में मैं कुछ जान सकूं। मुझे कोशिश करनी ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हरी कितनी भी जिद क्यों ना करे, आप लोगों को उसे घर से बाहर नहीं जाने देना। अनंत तुम चिंता मत करो, उसे हम कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। हम है ना उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। मधु बेटा, श्री नहीं आई, उसे नहीं करना नाश्ता? वो तो अपने कमरे में है, आप कहती है तो बुलाऊं। नहीं मधु, कल पूरी रात वो परेशान थी, आराम करेगी तो उसे ठीक लगेगा। आराम की जरूरत तो हम सबको है छोटी बा, कोई भी ठीक से सो नहीं पाया रात भर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये हरी को अचानक हो क्या गया? इतने सालों में मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। निहाल बता रहा था कि बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था हरी स्टेशन पर, और फिर उसने श्री को भी नहीं पहचाना। आप लोगों को अजीब नहीं लगा? और मधु भाभी, आप तो उसे मुझसे ज्यादा टाइम से जानती है ना, आपको भी कुछ अजीब नहीं लगा? आपने जानने की कोशिश भी नहीं की? कमाल है, लगता है कि मेरे अलावा किसी को परवाह ही नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है इसकी खोज खबर रखें। बाय द वे, हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल है या फिर वो लोग जा रहे हैं? नहीं, ऐसी हालत में हरी कहीं नहीं जाएगा। चलिए, किसी ने तो माना कि उसकी हालत ठीक नहीं है, पर हरी को हो क्या गया है छोटी बा? अरे निकी मधु, आज संडे है, आज संडे स्पेशल खाना नहीं बनाना? जाओ सबके लिए स्पेशल खाना बनाओ। जी छोटी बा। चलिए भाभी। आइए भाभी। भाभी, आज तो हम बाल बाल बच गए, जो बात परसों से छुपाई थी वह सबके सामने आते आते रहेगी। मुझे लगता है मधु को शक हो गया है। हाँ, मैंने भी उसका चेहरा पढ़ा था, बस इतना तय है कि परसों पहले हरी के साथ ऐसा ही हुआ था। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। श्री बेटा, क्या बात है बेटा, हरी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो और मैं बाहर जाना चाहते हैं। मेरा मतलब है घूमने के लिए। बेटा, हरी की तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है कि वो बाहर जा सके, दो चार दिन रुक जा, अगर जरूरी काम है तो मधु के साथ चली जा। नहीं माँ जी, मुझे कोई काम नहीं है, दरअसल इनका बर्फ का गोला खाने का बहुत मन कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें ले चलूं। नहीं बेटा, इस हालत में हरी कहीं बाहर नहीं जा सकता, जाने दीजिए ना छोटी बा।
ये लोग अभी बच्चे थोड़ी ना हैं। बेटा पर अगर हरी बाहर गया और उसकी तबीयत खराब हो गई तो? छोटी बा आप बेकार में चिंता कर रही है, ये लोग तो सिर्फ चौपाटी तक जाना चाहते हैं। कफ परेड़ से चौपाटी कौन सी दूर है, और वैसे भी श्री है ना हरी के साथ, वो उसका ख्याल रखेगी। वही तो, गोले खाने के लिए चौपाटी तक जाने की क्या जरूरत है, मैं घर में ही बना देती हूँ। हरी और श्री के साथ तुम सब भी खा लेना, ठीक है? आज सिर्फ गोला खाने की नहीं है बड़ी बा, जाने दीजिए ना छोटी बा। देखिए तो श्री का चेहरा कितना उतर गया है। कहा तो ये मनाली जाने के सपने देख रही थी, और कहा अब चौपाटी तक भी नहीं जा पा रही। छोटी बा आपको मेरी कसम, छोटी बा आपको मेरी कसम।